हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आरआर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं रेनबो बुक का, जो कि 12th आरबीएससी की बुक, फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका जो फोर्थ चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग दिया गया है, इसका अर्थ होता है खोया हुआ बसंत। और इसके जो राइटर हैं वो एक लेडी राइटर है, जिनका नाम है एनीज़ जंग जो हैं वो इनकी राइटर हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके अर्थ से पता चल रहा है कि यह खोया हुआ बसंत, यानी स्प्रिंग यानी होता है बसंत ऋतु। तो इसमें बसंत को खोया हुआ ना मानकर ऐसा माना गया है, या इस कहानी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से कुछ जगह पर बच्चों का जो बचपन है वो नष्ट कर दिया जाता है। छोटी उम्र से ही उनको काम पर लगा दिया जाता है। जो उम्र उनकी पढ़ने लिखने की होती है वो उम्र उनकी काम में लगा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। एक तो होगी साहिब ए आलम नाम के व्यक्ति के नाम से, और एक होगी मुकेश नाम के व्यक्ति के नाम से। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस स्टोरी के बारे में जानने के लिए इसे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। जो साहिब हैं, देखिए इसमें जो एक लड़का होता है साहिब, क्या नाम होता है उसका, साहिब एक लड़का होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो वो साहिब जो लड़का है वो अपने से संबंधित एक कहानी इसमें बताता है। किसको बताता है? लेखिका को, यानी कि जो एनीज़ जंग है उनको ये कहानी बताता है। और वो क्या कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। देखिए यहाँ जो ये गार्बेज वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है कचरा। कि कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, आई फाइंड मैं पाता हूँ ए रुपी एक रुपया इन द गार्बेज कचरे में, कभी कभी कचरे में मुझे एक रुपया मिलता है। व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब। तो लेखिका कहती हैं, एनीज़ जंग जो हैं लेखिका, वो कहती हैं कि साहिब तुम ये सब क्यों करते हो। हुम आई एनकाउंटर, जिससे आई, लेखिका कह रही है जिससे आई एनकाउंटर, मेरा आमना सामना होता है। एनकाउंटर मतलब आमना सामना, जिससे मेरा आमना सामना होता है। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, स्क्राउनिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में से कुछ सोना रूपी पैसा ढूंढते हुए, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ये साहिब था, यह बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ के हरियाली से भरी खेतों में रहता था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, अब उसका घर दूर दूर तक भी उसकी याद में नहीं है, क्योंकि उसने अपना घर काफ़ी लंबे समय पहले ही छोड़ दिया। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उसे अपना ढाका में जो घर था वो इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, ऐसे तूफान जिन्होंने उनके खेतों को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, एंड होम्स, और उनके घरों को समाप्त कर दिया था। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसकी माँ यानी साहिब की माँ ये बात उसे बताती है। दैट्स व्हाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द, यही कारण है कि उन्होंने वो जगह छोड़ दी, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब जहाँ वो एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं वहाँ पे वो कचरे में से सोना अर्थात पैसा ढूंढने का काम करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मर्टर्स, लेखिका के पूछने पर
साहिब जवाब देता है कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। वह मन ही मन बुदबुदाता है, लुकिंग अवे, अपनी नज़रों को घुमाते हुए। गो टू स्कूल, लेखिका कहती है स्कूल जाओ। आई से ग्लिबलिंग, मैंने एक आश्चर्यजनक बात को घुमाते हुए कह दिया। रियलाइजिंग इमिडिएटली, और तुरंत ये अनुभव किया या महसूस किया, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो ये सलाह थी वास्तव में कितनी अटपटी थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहेब ने मुझे उत्तर दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जो जब वहाँ कोई स्कूल बना देगा, आई विल गो, तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, आई आस्क, लेखिका ने पूछा या पूछती हैं कि यदि मैं वहाँ कोई स्कूल बना लूँ या शुरू कर दूँ, विल यू कम, तो तुम आओगे। हाफ जॉकिंग, कुछ मजाक के मूड में, यस ही सेज, तो साहिब ने इसका उत्तर दिया, हाँ हाँ मैं आऊँगा, स्माइलिंग ब्रॉडली, एक अच्छी सी मुस्कुराहट देते हुए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों के बाद, आई शी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे मेरी तरफ भागते हुए पाया। इज योवर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, लेखिका कहती है कि एक स्कूल बनाने में तो बहुत समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन, मुझे अपने ही द्वारा किए गए इस वायदे पर बड़ी शर्म आई जिसका ये मतलब नहीं था। बट प्रोमिसज लाइक माइन, लेकिन मेरे जो वायदे होते थे, यानी कि ऐसे वादे जो मेरे जैसे होते थे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उसके खाली से संसार में हर तरफ थे ऐसे वादे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसे जानने के कई महीनों के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, उसने मुझे अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इस नाम का अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वास्तव में उसके साथ यह एक बड़ा ही कठिन समय था। अनअवेयर ऑफ वाट, वह उन सब के बारे में जागरूक नहीं था। हिज नेम रिप्रेजेंट, उसके नाम का जो अर्थ था उसके बारे में वह जागरूक नहीं था। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह तो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, ऐसे लगती थी जैसे नंगे पैर चलने वाले लड़कों की एक बड़ी सेना हो जो कि सुबह पक्षियों के रूप में दिखाई देती और दोपहर में गायब हो जाती। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों तक हमने एक दूसरे से पहचान की। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उनको अलमारी से नहीं निकालती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण तौर पर उत्तर दिया। इवन इफ, यदि शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि उसने ऐसा किया तो वह उन्हें फेंक देगी। एड्स अनोदर, दूसरे ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जिसने एक ऐसे सूज पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे जो दोनों पैरों के अलग अलग थे, मतलब मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर तानाशाही की, ही सफल्स हिज फेट, उसने अपने पैरों की तरफ देखा, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे एक लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने शायद अपने जीवन में कभी एक जोड़ा जूते भी नहीं पहने हों। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, पूरे देश के इधर उधर चक्कर काटते हुए, यात्रा करते हुए, मैंने वहाँ के बहुत से बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स,
गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, मेरे जानने में आया कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं था, बट अ ट्रेडिशन, बल्कि यह वहाँ की एक परंपरा थी टू स्टे बेयरफुट, कि वहाँ पे लोग नंगे पैर ही रहते थे, इज़ वन एक्सप्लानेशन, एक ने यह व्याख्या दी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन आवर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए इतनी बड़ी व्याख्या दी। आई रिमेंबर आई स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे अच्छी तरह से याद है ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी के एक व्यक्ति ने वंस टोल्ड मी, जो एक बार मुझे बताई। एज अ यंग बॉय ही वुड गो, जब वह एक नौजवान लड़का था तो वह गया था टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह एक स्कूल में गया था जो कि एक मंदिर के बिल्कुल पीछे था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी एक पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह रोजाना मंदिर में जाता और रुकता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और रोजाना भगवान के सामने जूतों के एक जोड़े की प्रार्थना करता। 30 years later, और 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं दोबारा उसके कस्बे में गया, एंड द टेम्पल, और फिर वह मंदिर, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब खंडहरों में बदल चुका था। इन द बैक यार्ड, और पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहाँ पर एक नया पंडित रहने लगा। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का वहाँ दिखाई दिया जिसने सलेटी रंग की गणवेश पहनी हुई थी, वियरिंग सॉक्स, जिसने जुराबें पहनी हुई थी, एंड शूज, और जूते भी पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग, वह हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना विद्यालय का बस्ता पटक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक खुलने बंद होने वाले बिस्तर पर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मैंने एक अन्य लड़के की प्रार्थना को याद किया, हैड मेड टू द गोडेस, जिसने देवी से प्रार्थना की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, कि जब उसे पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से पहनने के लिए जूतों का एक जोड़ा मिल जाएगा, लेट मी नेवर लॉस देम, तो मैं उनको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, नौजवान लड़के बिल्कुल पुजारी के बेटे की तरह, नाउ वर्स शूज, वोर शूज, अब जूते पहनने लगे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से अन्य लड़के जो कि फटे पुराने कपड़ों में थे और कूड़ा बीनने का काम करते थे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, आज भी वो बिना जूतों के ही थे, आज भी उनके पास जूतों की कमी थी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये चैप्टर हैं, हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, और इसके बाकी का जो भाग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।